गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, रिस्पेक्टेड लिसनर्स। आज मॉर्निंग असेंबली में मैं जॉब राइट, पेंशन राइट, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, ये चारों एक सीक्वेंस में हैं, एक क्रम में हैं। हमने पहले भी कहा था, अनुशासित और समृद्ध समाज बनाने के लिए ज़रूरी है लोगों को भूखमरी से बाहर निकाला जाए, उनको काम दिया जाए। आज भारत में 1 करोड़ शिक्षक, जो प्राथमिक और स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कार्य करने में सक्षम हैं, शोषित या नियोजित, शोषित में इस अर्थ में कर रहा हूँ कि जॉब राइट की मैंने इसलिए बात की थी, जैसे न्यूनतम वेजेज अगर घोषित कर दिया जाए 28,000 रुपये, और सरकार बड़े पैमाने पर स्वयं भी दरबार खोल दे कि हम 28,000 लेने तैयार हैं, अगर आपको बाहर ज़्यादा मिलता है तो बाहर जाएं। यही जॉब राइट है, ये केंद्र राज्य सरकार मिलकर लेकर आए, सिर्फ प्रार्थना नहीं, हमारी कठोरता से मांग है कि 28,000 रुपये की नौकरी सुनिश्चित की जाए, उनको काम करने का अवसर दिया जाए, राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाई जाए, सेवा क्षेत्र को मजबूत किया जाए और इसमें कोताही न बरती जाए। कोई अपने आप को सक्षम प्रशासक शासक कहता है तो आगे आए और खुले मन से हम बहस करने को तैयार हैं। मजदूरों किसानों के आंदोलन जो है वैचारिक आधार न चलाकर सर्वे संगठन सीधे साधे रूप में चलाए जाते हैं, हम भीड़ जुटाने की आवश्यकता नहीं मानते। हम आइडियोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर लड़ेंगे। कोई भी शासन का प्रतिनिधि, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकारें हों, और प्रबंध संस्थान और संपादक मंडली जितनी भी है, मैं कह रहा हूँ कि जॉब राइट का मुद्दा मैंने छोटा है चैनल की तरफ से, 28,000 मासिक पर ENM का डिप्लोमा धारक महिला नर्सिंग रूम में सेवा, देश के DEd, BEd, MEd प्राप्त युग युवतियाँ शिक्षक के रूप में सेवा देश के, और एक जोशीला जवान अनुशासन बनाने के लिए हाथ में लठ लेकर सड़क पर चल सके कि दुष्टता मेरे सामने आओ, उसको मैं तबाह करूँगा। उस नौजवान को भी समाज में बर्बादी के तबाही के लिए नहीं छोड़ना चाहते, वो बदमाशों को तबाह करे न कि समाज और खुद को। ये बहुत लंबा विषय है और मैंने पहले कह दिया, हम प्रार्थना नहीं कर रहे जॉब राइट के लिए, हम पहले दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम ई बुक के रूप में लिख रहे हैं, ई पेपर के रूप में लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर के रूप में लिख रहे हैं कि भारत में भूखमरी का खात्मा करेगी, सामाजिक समरसता बढ़ाएगी और राष्ट्रवाद लोगों में पन पाएगी, नफरत की दीवार मिटाएगी जॉब राइट, रोजगार का अधिकार। और भारत के सभी राजनीतिक दलों से मैं कहता हूँ, गागर में सागर, इसमें सभी बातें आ जाएंगी। कई कहते हैं मुझे दलितों को उत्थान चाहिए, कई कहते हैं मुझे दुकानदारों को उत्थान चाहिए, कई कहते हैं मुझे पिछड़ों को उत्थान चाहिए, कुछ कहते हैं मुझे मुसलमानों को उत्थान चाहिए। मैं उन सबको कह रहा हूँ, वो अपनी शक्ल और सूरत दिखाएं और सीरत दिखाएं, जॉब राइट पर क्या नज़रिया रखते हैं, जॉब राइट आम जनता के जीवन को खुशहाली देने वाला होगा। और मैं ज़्यादा बात न कहते हुए, मैंने पहले कह दिया कि CRL यूनिवर्सिटी का जो चैनल है, ये दबाव समूह के रूप में काम कर रहा है। पहले सभी को बताया गया है, सभी राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी, कि आप जॉब राइट लेकर आए। 28,000 मासिक वेतन की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है
जितने भी निर्वाचित जो बैठे हैं इनसे इकोनॉमिक्स की समझ, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा हमारे कम नियम सारी बातें समझते हैं। राज के कोष, भुगतान संतुलन, ये ज़्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं। जब हमारे सामने बैठेंगे तो इन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि पहले इन्होंने सुनने की जहमत नहीं उठाई। अगर पहले उठा लेते तो ये काम और भी आसान हो जाता और इनके लिए भी वोट निर्माण का काम करेगी। मैं ये बता देना चाहता हूँ, आज कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का दौर ख़त्म हो रहा है। कॉरपोरेट पॉलिटिक्स वही होती है कि धन्ना सेठों से संपर्क करना, उनसे पैसे जुटाना, बड़ी बड़ी रैलियाँ करना, धन जुटाना अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए, और फिर जनता से कभी रोकर वोट लेना, फिर उनको रुलाना। ये कॉरपोरेट पॉलिटिक्स होती थी पहले और चलती भी रही अभी तक। अब वो दम तोड़ रही है। वो बार बार मंथन शिविर तो बुला रहे हैं कि उन्होंने अपनी वर्किंग कमेटी बुलाई है कि क्यों आ रहे हैं, क्यों तबाह कर दिया जनता ने उनको, परंतु सुधरने को तैयार नहीं है। वो जो उनमें एक आदत पनपी थी कॉरपोरेट पॉलिटिक्स, तो मैं ही कहूँगा कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का दौर चला गया है और वो चलता भी नहीं है लोकतंत्र में। कॉरपोरेट्स अपना काम करें, बिजनेस करें, सरकारें अच्छी नीतियाँ लेके आएँ, उनको देश में एक बिजनेस एनवायरनमेंट डेवलप करने का मौका दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे हमें को नफरत है, परंतु कॉरपोरेट पॉलिटिक्स नहीं की जाए। बजट्स कॉमन के लिए, पॉलिसीज कॉमन के लिए बनाई जाएँ और कॉमन आम जनता, एक भाई तो अपनी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी निकाल रखा है, दूसरा जनता भारतीय जनता पार्टी निकाल रखा है, तीसरे भारतीय कल्याण पार्टी निकाल रखा है, किसी इंसाफ पार्टी निकाल रखा है। तो ये अलग अलग प्रकार से हमारे यहाँ राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं, उन भाइयों को सबको साधुवाद। परंतु मैं यही कहूँगा कि जनता का ही मुद्दा है और प्रेशर ग्रुप ने आपके पास भेज दिया है। हम पहले आपसे काफ़ी लंबे समय से प्रेशर ग्रुप की ओर में लड़ाई लड़ेंगे। हमारे इसे राजनीतिक दल के रूप में प्रवृत्त करने का इस अभियान को अभी कोई विचार नहीं है, परंतु यदि हमें न्याय नहीं मिला तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है। धन्यवाद।